आदि पुरुष फिल्म के टीजर रिलीज होने से पहले इसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, वो क्योंकि यह फिल्म रामायण पे बनी थी। इसके अलावा फिल्म के हाइप का सबसे बड़ा कारण था इसका VFX। फिल्म के VFX को बहुत ही ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा था। इसके VFX पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसे 8000 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया, जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यह फिल्म पूरी A to Z ग्रीन स्क्रीन पर स्टूडियो में शूट हुई थी। इसके अलावा फिल्म को 3D में और फिल्म को मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ शूट किया गया। आइए जानते हैं इंडिया की उन फिल्मों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा VFX शॉट्स के साथ बनाया गया और उनके बजट के बारे में भी। नंबर 10, एंथिरन। यह फिल्म हिंदी में रोबोट के नाम से रिलीज हुई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था एस शंकर ने। फिल्म का बजट था 132 करोड़ रुपए और फिल्म को 2000 से अधिक VFX शॉट्स के साथ बनाया गया था। फिल्म के मात्र VFX पर ही 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह फिल्म उस समय इंडिया की सबसे महंगी फिल्म थी। फिल्म में चट्टी के रोबोटिक सीक्वेंस को जिस तरह से दिखाया गया था वो बहुत ही शानदार था। नंबर 9, रोबोट 2.0। इस फिल्म ने इंडिया में टेक्नोलॉजी और VFX के मामले में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट किया। फिल्म के VFX पर 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिल्म में टोटल 2150 से अधिक VFX शॉट्स लगे थे और फिल्म का टोटल बजट 570 करोड़ से अधिक था। इस फिल्म के VFX को तैयार करने में दुनिया भर के 3000 टेक्नीशियंस ने काम किया। नंबर 8, जीरो। शाहरुख खान अपनी फिल्मों में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उनकी फिल्म जीरो में भर भर के VFX और एनिमेशन का यूज किया गया था। फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए था। फिल्म को 2300 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया था, जबकि फिल्म के VFX का बजट 70 करोड़ रुपए था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। नंबर 7, रावण। आदि पुरुष के VFX को ट्रोल करने के बाद लोगों को जिस फिल्म की याद आई वो फिल्म थी रावण। वैसे तो यह फिल्म उस समय बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसमें VFX और CGI कमाल का यूज किया गया था। फिल्म को 2400 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया था, जिसके VFX का बजट 60 करोड़ रुपए था और इस फिल्म का बजट टोटल 150 करोड़ रुपए था और ये बॉलीवुड में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी। नंबर 6, बाहुबली 2। SS राजामौली अपनी फिल्मों में किसी प्रकार के भी परफेक्शन की कमी नहीं छोड़ते हैं। उनकी फिल्म बाहुबली को 250 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था। इस फिल्म को 2400 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया था और फिल्म के VFX को तैयार करने में 1000 VFX आर्टिस्ट ने काम किया था। इस फिल्म के मात्र VFX का ही बजट 85 करोड़ रुपए था और ये फिल्म इंडिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बनी थी। नंबर 5, RRR। SS राजामौली की पिछली फिल्म RRR को उसकी मेकिंग के चलते दुनिया भर में पसंद किया गया। फिल्म को 2800 VFX शॉट्स के साथ शूट किया गया था, जबकि इसके VFX की कीमत 150 से 200 करोड़ रुपए थी, जिसके कारण फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 550 करोड़ रुपए हो गया। नंबर 4, क्रिश 3। रावण के फ्लॉप होने के बाद क्रिश 3 ने बॉलीवुड में VFX जोनर की फिल्मों में एक नया बेंचमार्क सेट किया। इसके VFX और CGI कमाल के थे, जिस कारण इस फिल्म को दर्शकों द्वारा भी खूब पसंद किया गया। फिल्म को 3500 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया था, जिसमें VFX की कीमत 26 करोड़ रुपए थी और फिल्म का टोटल बजट 90 करोड़ रुपए था। राकेश रोशन ने बताया कि आने वाले क्रिश 4 को बहुत ही ग्रैंड लेवल के VFX के साथ शूट किया जाएगा। नंबर 3, सायरा नरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म को 3700 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया था। फिल्म का टोटल बजट 270 करोड़ रुपए था, जिनमें से मात्र 45 करोड़ इसके VFX पर खर्च किए गए थे। फिल्म में CGI द्वारा यूज किए गए एक्शन सीक्वेंस कमाल के थे। नंबर 2, बाहुबली 1। इस फिल्म ने इंडिया में VFX के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट किया था। इस फिल्म को 4500 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया, जिसकी VFX का बजट 40 करोड़ रुपए से अधिक था और इस फिल्म का टोटल बजट 180 करोड़ रुपए था। फिल्म में VFX और CGI के द्वारा बनाए गए एक्शन सीक्वेंस कमाल के थे। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों ने इसके VFX को खूब ट्रोल किया, लेकिन जब लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में 3D में देखा तो लोगों को इसके विजुअल्स काफी पसंद आए। इस फिल्म को 4500 VFX शॉट्स के साथ बनाया गया है, जिसके मात्र VFX पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और फिल्म का टोटल बजट 410 करोड़ रुपए है। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। आपको इनमें से कौन सी फिल्म का CGI और VFX सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।